ये रहा सफ़र अभी तक का, जहाँ पे हम लोग ट्रेन से चढ़ के मतलब उतरे हैं और काफ़ी कंजेस्टेड था इलाका, बट तुम लोग के लिए हम लोगों ने सीट छोड़ दी थी, तो खैर वो अलग बात है। और अब ये सब होने के बाद में ना हम लोग अब निकलते हैं सीधा तुषार के गांव वाले घर के लिए। तो हम लोग को उतरना था निहालगढ़ स्टेशन पे, और हम लोग निहालगढ़ पे उतरने के बाद हम लोग को लेने के लिए आ जाते हैं तुषार के पापा और उसके भैया, और फिर उसके बाद हम लोग सीधा घर जाते हैं और वहाँ का जो भी सफ़र रहा है वो दिखाते हैं। उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा इन मैनर में रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि हम दोनों को आइडिया नहीं था कब क्या करना है। बाकी घर की ऑकवर्डनेस जो रहती है, मैं तो भाई मतलब अपने घर गया तो तब भी शायद थोड़ा बहुत ट्राई करता, लेकिन अब दूसरे के घर लाइक पहली बार जब किसी से मिल लो तो नहीं होता उतना, और इस वजह से थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस रही, जिस वजह से हम लोग प्रॉपर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। बट ठीक है, हम लोगों ने किसी तरीके से कर लिया। फिर हम लोग वहाँ से घर जाते हैं, घर जाने के बाद में वहाँ पर हम लोग अंदर की खैर वीडियो बनाते ही हैं, और फिर उसके बाद में जो भी वहाँ खाना खिलाया जाता है, जो उसकी रस्में होती हैं, वो सब लोग तुम लोग शायद अगली वीडियो में कर दिए। तो हम लोग आ चुके हैं चार के गाँव निहालगढ़। स्टेशन दिखा दो, स्टेशन और ट्रेन दिखा दो, अपनी भीड़ देखो कितनी उतरी। माना जाता है कि देश की आधी जनसंख्या यही उतरी आज। सफर के बारे में क्या कहना है आपका? सफर तो एकदम लाजवाब था हम लोगों का। भाई की उतरी नहीं। तुम लोगों के लिए पूरे रास्ते पर खड़े होके आए हम लोग। सीट थी? थी, लेकिन लेटने भर की सीट थी। वहीं पर हम लोग को एक सब्सक्राइबर मिल गए, मिले भी बाद में बन गए। बहुत मुराद था लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसने एक चीज़ की थी। यहाँ का एडवेंचर आपको सार बताने वाले बताओ। एडवेंचर क्या कुछ एडवेंचर नहीं है, अभी देख पटरियों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह ने तुम धीरे धीरे जाओगे चलो पटरियाँ देख लो भाई। माने तो मटरी बनी है एकदम पास से देखो। दो मिनट का ब्रेक है, सब्जी ले रहे हैं लोग, अच्छी अच्छी वाली ऊपर करेंगे तब आई ज़्यादा हो गई, ज़्यादा ही गुरु हो गए। बैग वाला सही था क्या बताएं। आ चुके हैं और काफ़ी मतलब मज़ेदार तो वही रहा जो बात है, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा सोए हैं। और अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं? अभी चाय पीने, चाय कुल्लड़ वाली चाय, कुल्लड़ वाली चाय, वो भी गर्मी में। तो भाई चाय चाय है, तुषार का मुंह दिखा दे, छः छः घंटा सोया है आज ही, आज भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे चार बजे उठा था, सोना तो बनता है, कपड़े चेंज कर। ये हमारे एक अलग मित्रगण, अभी इनका इनका भी फेस रिवील हो तो होगा मतलब। वहाँ फिर उसके बाद में हम लोग जब शादी में जाते हैं, तो शादी में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि वो कार रहती तो वहाँ पे सब लोग की अलग कार होती है, वहाँ पर हम लोग के तीन चार दोस्त, और वहाँ पे हम लोग एमसी स्क्वायर मिल जाते हैं। एमसी स्क्वायर मिलने के बाद में जो हल्दी में डांस होता है ना भाई साहब, वो देखने लायक होता है। और हल्दी का डांस देखने के बाद में एमसी स्क्वायर भी वहाँ से उतर जाता है और साथ में नाचते हैं हम लोग के। उसके बाद में भाई जो जो चीज़ें हुई ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एमसी स्क्वायर पूरा टाइम हम लोग के साथ रहे पे काफ़ी बड़ी बात रही अपने लिए भी, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे एक अपने भाई था यश, उससे हम लोगों ने कहा था यार कुछ खाने पीने के लिए आना, और उसको लगा कि हम लोग कर रहे हैं मजाक और वो कुछ लेके नहीं, और हम लोग दिन से भूखे बैठे हुए, दिन का सुबह के मतलब खाए पी जो निकले थे
और मिलते उसके साथ देखते क्या करेंगे। पहली चीज ये हुई पेलो वहाँ पर उसने पूरा अपना दिखाया गांव वगैरह जहाँ पे भी घूम रहे थे, काफ़ी सही जगह थी और बहुत प्यारी जगह है। हम लोगों ने देखा वहाँ पर हम लोग को इग्नोर भी मिला था जिसकी वीडियो शायद तुम लोग को आगे मिले। फिर उसके बाद शादी आदि सब स्टार्ट होती है, हल्दी की रस्म होती है और तुषार सबको खाना खिला रहे होते हैं, बाकी लोग भी खाना खिला रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें भी पूरी होती हैं। फिर हम लोग को जब जाना होता है बारात, भाई बारात में आती है असली मज़ा, क्योंकि उसमें ना हम लोग भाई जिस तरीके से गए थे कार में, भाई कार में ही सब लोग अपना खाना पी। तुषार यादव कैमरामैन से, अरे भाई गया मैं। अच्छा बनाना है, बुरा नहीं। पर तुम्हारा चेहरा दिखा रहे उससे खराब क्या होगा? हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। और ये तुषार अपने असली काम में आते हुए हेलो हैव अ गुड डे, गुड डे बोल के पूड़ियां दे रहे हैं। भर लो तुषार पूरी रिफिल कराते हुए, वो उधर तस्लीम वो टब में तुषार मेन्यू चेंज करने जा रहे हैं। अलग अलग लगा था नीचे पकड़ लूंगा लेकिन गर्म है। नया काम पाते हो कैसा लग रहा है? सब्जी ये पहला ऑर्डर आती है। तुषार ने लाइट हिला दी अपने सर से। हल्दी समारोह हो रहा था, ये साइड हो जाओ। अरे भैया की हल्दी लगाई जा रही। तुषार जब कमरिया इलाके ये नागिन इधर, ओए ओए नागिन नागिन सपोला एक नाग उधर है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना। दीन से डस रहे भाई। हो गए तैयार हुई नागिन तैयार। नेशनल डांस होते हुए MC square भाई MC square इधर MC square हम लोग पास MC square आ गए हैं।
भाई अंजू सर बिग फैन, भाई बिग फैन, ओके थैंक यू, थैंक यू। वो तुषार एक फोटो एक वीडियो अंजू सर इंटरव्यू डिलीट हो गया फिर से। हाय ब्रो दिस इज माय बिग फैन नाचो ये ये तो ले ले रहा हूं ले ले रहा ब्रो नाच व्यूज का सवाल है, व्यूज का सवाल है नाच ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ बारात में आती असली मजा, क्योंकि उसमें ना हम लोग जिस तरीके से गए थे कार में, भाई कार में ही सब लोग अपना खाना पीना शुरू कर दिए हैं, हम लोग वहीं पे बैठ के भाई खा रहे पी रहे मज़े कर रहे भाई, अलग ही एकदम वाई वाई गाने बज रहे, हिंदी बज रही, भोजपुरी बज रहे थे, वो शायद गा गा के मुझे दिखाना पड़ेगा वरना जो है क्या कि तो वो होगा भी नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत मज़े किए फिर शादी में जो डांस करा भाई, शादी का तो अलग ही डांस है यार। फिर उसके बाद में हम लोग तो भाई फाइनली हम लोग तैयार हो गए, तुम लोगों ने पुराना वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, और अब हम लोग बस यहाँ तैयारी करके निकलने की आगे दुकान में कुछ और कह रहा है। तो यार मतलब जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही, हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, छोटे से कुछ घर का माहौल आगे आगे दोनों से परिवार सिर उतर लंडन फ्लाई करते यार, हम लोग अब निकलने वाले हैं और ज़्यादा हम लोग वीडियो नहीं शूट कर पा रहे इस वजह से क्योंकि घर का माहौल है, बिजी बहुत है ना, मतलब काम करना पड़ रहा है, यही सब है। बाकी क्या दिखाई कभी देखना नहीं मौका दिखा, बाकी सच तो लगी रहे मैं सेक्सी लग रहा हूँ। अपने आपको दिखाओ पहले जरा हाथ। यस भाई भाई मैं लग रहा ना सेक्सी? हाँ मैं लग रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कह रहा इस बारे में तो नहीं ना, उसको अपने ऊपर ही शक है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो आधा नहीं है शक, उसको है शक, नहीं है शक तो तुम फोटो में एडिट करके नहीं डालते हो, कोई नहीं डालता होते हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ, भाई सब डालते हैं, कोई नहीं डालता, कौन डालता है, मार हो जाएगी भी यहीं पे, गाड़ी वाला दिन है मार नहीं करना जाता भाई, मैं वो देख रहा भाई मैं उसमें गिरा दूंगा भाई, ये भाई है जो वो देखिए इसमें गिराने की बात करी जा रही है, ओ माय गॉड तालाब में भी गिरा दूंगा भाई, ये भाई है जो वो तालाब में पैसे लूटता है 10 10 की नोट। हम लोग अभी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भाई भाई जबान दिखाते हो भाई, फिर से जबान दिखाओ, जबान जबान ये ब्लॉग बदल गया बिल्कुल बिल्कुल भाई, एमसी स्क्वायर ने कह दिया बात है लंबरदार भाई लंबरदार, भाई छोटे मोटे लोग साथ में नहीं, बड़े बड़े लोग साथ में भाई ब्लॉग बनाते हैं, देखो जैसे ये बड़ा आदमी भाई 6 फीट के ऊपर का है, क्या माहौल है, अब भी सुनिए, अब भी सुनिए
आओ चले आगे बोलो। बहुत मजे किए फिर शादी में जो डांस करा भाई, शादी का तो अलग ही डांस है यार। फिर उसके बाद में हम लोग को रात में चुलमची चाय पीने की। ये कौन सा है ना? हाँ MC Square नाम भूल गए MC Square भाई नाम गए। ये भाई टाइम दिखा दो तुषार कितने बज रहे हैं? एक मिनट हम लोग रात के 2:13 हो रहे हैं भाई का समय गुरु को फोकस कर लें। अरे मेरे में दिखाओ यार तुम्हारे 2:13 भाई मेरे में भी दिखाओ सबके में दिखाएं। ये महंगा वाला फोन भाई 2:13 इसमें बड़ा बड़ा दिखता है आगे चलता है। हाँ भाई यो। और रात नाम सबके तलब चढ़ी किस चीज की? चाय नाचने की भाई। भाई अरे मन ने हीरो यहाँ तो सुई भी नहीं मिलेगी कुत्ते की। हाँ भाई कोई बात भाई इतने बड़े बड़े हम लोग घूम रहे ओए क्या नाम है इसका? हाँ भाई अरे ओए यश यश हाइलोजन देना हाइलोजन देना चार नहीं लगता मैं जलाने में खाली 6% रहने दो भाई। ओ तुम अपना देना हाइलोजन। मेरा हाइलोजन नहीं है मामूली लाइट है। इससे तो काफी सही है भाई अभी 3-4 और जल जाएं। भाई फ्लैश जला लो फोन की फ्लैश जला लो क्या बना रहे हो भाई? व्लॉग बना रहे हैं देख कब पहुंचेंगे हम लोग। ये बोल रहा है इसका मिस्टर है इसने गेट नहीं बना तुमको सुनाने के लिए हाय कर दो सब लोग। अब हाय कर दो अब दिखाई दे तुषार भाई अभी भी नहीं दिखाई दे रहा तुषार ये हमने उल्टा तो नहीं आगे अब पता चला है कि हम बहुत दूर आ गए यार पता है उधर तो पता नहीं। अरे रैपिडो बुक कर लेंगे यहाँ रैपिडो खेत में आएगी भाई रैपिडो बुक कर लेंगे। हैं स्ट्रीट बताओ कौन सी है सातन के पुरवान है रैपिडो रेपिडो यहाँ गांव में आएगी रेपिडो गांव में आएगी यहाँ खेत में घूमेगी रेपिडो कसम से भाई। भाई रात में खुद डराए भाई ये तो गलत बात है हम लोग भी पैसे देने की बात होती है रोजे रोजे हम हमाम वाला एक लगा अभी पैर भी इधर कर रहा है मामा रिंकू अभी बेटा लेटो तो कल बौराएगा पैर तुम्हारा ढेली हूँ मान के चल गल्ला वाड़े के मैं हिसाब हम लोग को पटाखे फोड़ने हैं मैं और इस चूते ने मंदिर से जो है माचिस उठाई है
ये देखो कह रहा है कि भाई मैं बोर्ड में फेल हो गया, तो उठाने के बाद भी वो भी अबे कुछ हो ही नहीं पा रहा। निकल 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 अब भाई पटाखे देखने जा रहे भाई, हम जल्दी से। अबे शिवम कुत्ता बन के वापस आया। अरे शिवम भाई आप ऐसे आए हो? शिवम भाई, शिवम भाई कह रहे उधर चलो, उधर चलो बता रहे हैं क्यों शिवम। देखो आप भी शिवम के पास रहे। शिवम भाई और शिवम भाई बहुत अच्छे कनेक्शन है। आगे शिवम की बीबी, शिवम के क्या हो गया बताओ? शिवम की जी देखो ये अमीरी होती है। घुमा भाई इधर को, इधर हाँ फोन दिखाओ कौन सा है इधर ही ये देखो इधर का जाइए और स्क्रीन पहले दिखा दो, आगे की स्क्रीन दिखा दो कि पता लगे नया वाला। हाँ भाई देखो कितने परसेंट आ गया? 6% तेरा भाई इतने में तो दोस्त हो गया। ए शिवम सही में अगर भटक गया तो क्या करेंगे भाई? क्या भाई ब्लॉग क्या बताएंगे क्यों अगर खो गया था? भाई हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रही चीज़ें, बहुत डरावना हो गया माहौल। भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस भैया तोबा तोबा किसी तरह अड़ जाए बरात तक। बस यही इधर वाली सबकी यही दुआ। गौ माता आपने देखी जगह कहीं? आपको रास्ता पता है? रास्ता उधर वाला है, इन्होंने इग्नोर कर दिया। वो विमल खा रही है भाई सब। हाँ विमल खा रही है, सब ने हम लोग को इग्नोर कर दिया है। तुषार भाई कुछ कहना चाहेंगे? तुषार भाई साल भाई सब ने इग्नोर कर दिया तो मैंने भी कर दिया। कौन इग्नोर किया? तूने बोला ना। बस इसी वजह से ऐसे हैं। छोड़ो छोड़ो भाई, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा क्या होने वाला है। बहुत बहुत अबे भाई हमको शिवम की टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ। हाँ भाई उसको रास्ता भी नहीं, भाई रास्ते इतने रात में डरा डरा नहीं, पता नहीं कहाँ खो गया है। कोई पता हमको लगा धर लिया ये देखो ये था कुत्ते के रूप में आया है भाई वो वापस, और इच्छेदारी कुतिया भी थी वहाँ पे। तो हम लोग कुछ पता नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। ब्लॉग सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ ढेर सारा गोबर पड़ा हुआ है। ओ वाह क्या रास्ता निकाला, सही रास्ता, वो गलत रास्ता थी बंदा क्या हो गया। यहीं पे तो हम लोग नाच रहे थे, वो देख शिवम घूम तो रहे हैं वो नहीं हो। अच्छा तो फिर थोड़ी कम मोटी है नहीं पेट गलत। तो भाई हम लोग फाइनली आ चुके हैं फाइनली। ये देखो शिवम अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हुए 500 रुपये पीछे, मतलब 500 रुपये की नोट ऐसे छोड़ के चले आए हैं। पता नहीं हम लोग सो के अभी उठे हैं, देख के लग ही रहा होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ड्राइवर के पास में अपना बैग लेने के लिए, क्योंकि सबके लिए सफ़र यहाँ से सीधा घर के लिए होगा, लेकिन नहीं हमारा भी सफ़र सीधे घर से घर तक का होगा लखनऊ। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे लखनऊ, पता नहीं कैसे करने वाला। हम लोग कितने घंटे सोए होंगे, टाइम कितना होता है? हम लोग सोएंगे समथिंग 3 घंटे। अभी टाइम कितना है? 7 बजे हम लोग 3:30 बजे सोए थे, लगभग 4.5 घंटा हम लोग सो चुके हैं। तो हम लोग की हालत देख लो, अब 4 बजे देख लें अपने आपको, एक लालता बने हुए हैं। मैं नींद में हूँ, सोने नहीं मिला मुझे। ये नींद में, और इन्होंने कहा कि इनको वॉशरूम जाना है क्योंकि इन्होंने 2 दिखा दिया है। सुसु जाना है भाई, तो गाड़ी आ रही है। वाह अब बाकी चीज़ें बाद में। एग्ज़ाम देने के लिए लोग फिर से वापस जाते हैं, इतनी मरी हालत में होते हैं, बस दौड़ना भागना जिसमें एक भी ढंग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं पाती, मेरा छोटा सा पार्ट है बस वही रहता है। तो वो वाला पार्ट हम लोग दिखाने की सोचे भी नहीं, क्योंकि भाई नहीं थी हालत उस हिसाब से कि हम लोग कुछ कर पाते। फिर वापस आते, रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के बाद में हम लोग सारी चीज़ें फन करते हैं, डांस वांस होता है जिसके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। फिर वहाँ पे थोड़ा सा अंकल का फ़ोटोशूट होता है जो कि तुषार खुद करते हैं, और क्या बताएं ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ खींची गई हैं भाई, मज़ा आ गई थी। वहाँ पे सब लोग पागल हो गए, तो तुषार का फिर से तुमको एक बार अच्छा वाला डांस देखने को मिलेगा, जिसको देखने के बाद में कोई नहीं कह सकता कि ये इंसान किसी एक इंसान नहीं पशु में गिना जाता उसके बाद से। फिर तो यही सब था। कहाँ चल
तुषार को देखो तुषार को एकदम फील में आ रहा है सब डांसर निकल रहे हैं चिंटू को किसने दिल तोड़ दिया यार आज्ञाकारी पुत्र बनते हुए हंस क्यों रहे हो ये घर आ जाते क्योंकि अब होती है मेरी विदाई क्योंकि मुझे घर आना था और मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत ही अर्जेंट एक काम पड़ गया था जिसकी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा था तो वहीं पे ही वीडियो होती है एंड हम लोग वापस आते हैं तो वक्त आ चुका है विदाई का और उम्मीदें काफ़ी कम की आई है लेकिन यार हम लोग वीडियो ढंग से बना नहीं पाए थे हुआ ये कि भाई अपनी एंगजाइटी वाली दिक्कत रहती पाँच दोस्त अपने साथ में ना तो कहीं भी निकाल लो दो लोग में थोड़ा रहता है और वो भी फैमिली फंक्शन में तो उतना ज़्यादा नहीं होगा था कैमरे के ऊपर हाथ लगा रहे तो यार अभी बस यहीं तक था जो था तुम लोग को कई सारी इसके अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगी और बहुत सारा फन हुआ ये तो हम कहेंगे लेकिन अब वही है कि अब बस ले जाना पड़ जाएगा तो यहीं अलविदा करना पड़ेगा क्या बता सकता हूँ यार तुम अपना एक्सपीरियंस बताओगे दो लोग के बीच में जब दो लोग ब्लॉग बनाते कैसा रहता है मतलब थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है फिर दिखाई दे रहा बोल दो ना हम लोग के पास बोल तेज बोलो शर्म आ रही है जितना हम लोगों ने किया बनाया नाचा डाचा सब बन गया है भाई हम लोग की नींद नहीं खुली अभी बता भी सके बेटा और ये काफी दुखी है लोगों में मतलब पावर आती है भाई अपने इधर सब सेलिब्रिटी रहते हैं पहला था ना हम लोग हाँ बाकी क्या ही बताए फैमिली फंक्शन था आप कहीं वैसे घूमने निकलेंगे तब फिर दिखाने लायक चीज़ें भी होती लोग गाली तो नहीं दे सकते गाली वैसे भी नहीं देते हम लोग का शुद्ध व्लॉग होता है लेकिन फिर भी बीप लगानी पड़ जाती है यही सब नहीं तो यही सब था यार मजे तो किए हम लोगों ने अब पता नहीं वीडियो में तुम लोग को दिखे या ना दिखे क्योंकि हम लोग भाई ट्रेन में जा रहे थे सब्सक्राइबर मिल गया हम लोग का अचानक से हाँ वो तो आ जाएगा हाँ ये भी है बाकी देख ही लिया होगा हाँ शायद देख ही लिया हो उसने तो अभी वो भी इंतजार कर रहा है कि कब वो आएगा वीडियो के अंदर फीचर होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मतलब और दिखानी है और अभी मतलब ये तो था अपने निहालगढ़ का क्रू बीच में हम लोग कुछ दे भी नहीं पाए ना लोगों की रिसेप्शन है ये है हाँ देखो मेरे पास दिमाग था मैंने वीडियो बना ली थी घर पे एकदम मजदूर बना रखा था क्या मजदूरी की आपने जैसे कि लोगों को खाना खिलाने के अलावा कुछ करा नहीं ये पुण्य कमाए मैंने मुझे दुआ मिलेगी ये चेहरा देख के लग रहा है पुण्य डिजर्व करता है तो यार यही तक था जो था व्लॉग ये लो निहालगढ़ का स्टेशन दिखा देता हूँ हाँ निहालगढ़ दिखा दो भाई ट्रेन भी खड़ी है वाओ पटना से था इधर हम लोग आए थे इसी का क्लास फर्स्ट क्लास नहीं थर्ड क्लास लेकिन इन लोग के हम लोग खड़े होके आए थे भाई ये यही देखो लो तुम लोग की वजह से मजा आ गया बाकी लखनऊ पहुंच के कुछ मैं आगे का दिखा दूं क्या ही बताऊंगा मैं घर आ गया घर आने के बाद बस क्योंकि मैं तो अभी जाऊंगा नहीं दिक्कत है घर में और एक और इंसिडेंट हुआ इनके इनके हैं नहीं बताए नहीं ये अच्छी चीज नहीं सस्पेंस ही रहने दो हाँ क्या ठीक है अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब तो कभी बोलते नहीं देखना देखना होता नहीं तुम लोगों ने जो समझ में कर दिया टाटा कर भाई ये फिर नहीं दिख रहा दैट्स इट अब हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस भाई यार बस ये वीडियो यहीं तक थी अगर तुम लोग को पसंद आई हो तो फिर जो मन है वो करो मैं मांग नहीं आ जाता आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा मैं ज़्यादा आराम करने भाई बहुत एडिटिंग करती